और लेकिन इंस्टेड ऑफ जो ये माफी अमदावाद भावनगर सूरत अने मेहसाणा सहित अनेक जिल्लाना अनेक तालुकामां वरसादी माहोल रातभर पड्यो झरमर वरसाद अने एना लीधे खेडूतो माटे सर्जाई पड्या पर पाटो जेवी स्थिति। આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે મહારાષ્ટ્રમાં 7-8 દિવસ ક્વોરન્ટીન ફરજિયાત, 3 વાર આરટીપીસીઆર તપાસ પણ થશે। વિશ્વ એઇડ્સ દિવસે રેતી કલાકાર સુદર્શન પટનાયકે આપ્યો વચન રાખોનો સંદેશ, 15 ટન રેતીથી બનાવવામાં આવ્યું શિલ્પ। नमस्कार, आप जो इंडिया न्यूज गुजरात, हूँ छू सचिन वजाणी। नजर करिए आज महत्व समाचारों पर। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी 13 डिसेम्बरे काशी जवाना है। तेमना आ प्रवास दरमियान अनेक विकास कार्यों लोकार्पण पण आ कार्यक्रम में थवानुं छे। हाल में सांसदनु शियाळु सत्र चाली रह्युं छे, त्यारे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साथे इंडिया न्यूज वरिष्ठ संवाददाता अजय शर्माए एक बातचीत करी हती, जेनो मुद्दो हतो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी आज प्रवास छे काशीनो, एना संदर्भे। तो आवो जोईए कि तेमणे शुं बातचीत करी हती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ में मौजूद है। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं, वहां पर काशी कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और काशी का पुनरुद्धार करने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खुशी का विषय है कि काशी जो पूरे विश्व के लिए, जहाँ स्वयं साक्षात काशी विश्वनाथ का वास, तो काशी को जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का जो एक कुशल, योगी आदित्यनाथ जी का जो ऐसे भारतीय संस्कृति के सभी गौरवपूर्ण स्थानों को जो सजाया जा रहा है, जो संवारा जा रहा है, सौंदर्यीकरण और काशी का कॉरिडोर बनाने का जो यह संकल्प था वो पूरा हो रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। और साथ साथ आपने देखा कि अयोध्या का, जहाँ भगवान राम का जन्मभूमि, राम का जन्म हुआ, उस अयोध्या के राम मंदिर का भव्य निर्माण, ये पूरे विश्व के लिए, देश के लिए एक अच्छा सुखद संदेश, शांति सद्भावना और लोकतंत्र का एक उदाहरण ये अयोध्या के उस राम मंदिर के निर्माण। और अब तो राम, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि के साथ, अब राम कर्मभूमि न्यास, जहाँ सिद्धाश्रम की वो बक्सर की भूमि, जहाँ भगवान राम प्राकृतिक राम ब्रह्मांड नायक के रूप में कहलाए बाल्यकाल में, वो स्थल बक्सर है जहाँ का मैं सेवक हूँ। और राम कर्म भूमि, राम जन्मभूमि के साथ साथ अब राम कर्म भूमि न्यास का भी काम हमने शुरू कर दिया है। और मुझे विश्वास है ये सभी मोक्षदायिनी स्थल अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती, चैवा, सप्तेता, मोक्षदायिका, ये सभी मोक्षदायिनी स्थल है। और इसको जितना सुंदर और संवारेंगे, जितना उतना ही आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। आपको लगता है कि सर मथुरा पे भी कुछ काम करना चाहिए सरकार? मैंने कहा ना कि मोक्ष दायिनी है, वहाँ काम सब हो रहा, सभी जगहों पर काम हो रहा है, कहाँ कोई दिक्कत थोड़े। मोक्ष दायिनी स्थल को सजाने और संवारने में किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका कहना है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सारे के सारे मोक्ष दायिनी स्थल है, इनको सजाने संवारने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। શિયાળુ સત્ર દરમિયાન હંગામા વચ્ચે વિપક્ષ દ્વારા ધરણા પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિએ ઇન્ડિયા ન્યૂઝના વરિષ્ઠ સંવાદદાતા સંજય શર્મા સાથે એક કાશી, મથુરા અને અયોધ્યા મામલે પણ વાતચીત કરી હતી। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ में मौजूद है। साध्वी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या और काशी में तो निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, काशी में कॉरिडोर बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहां पर, क्या कहेंगे आप? मथुरा की भी बारी है साथ में। देखिए, हमारे आराध्य स्थान है, चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, मुझे लग रहा है कि उनका विकास बहुत पहले होना चाहिए। जिस तेज गति से 2014 के बाद से इन स्थानों पर काम शुरू हुआ है, कोई भी श्रद्धालु जाता था बनारस में तो इतनी गली होती थी,
और श्रद्धालुओं को जाने आने में भी दिक्कत, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिक्कत थी। और मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, बनारस का जिस तरह से एक बाबा विश्वनाथ तक जाने का रास्ता और गंगा जी का जलाभिषेक, कोई करना चाहे तो गंगा जी से जल ला करके बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी करेगा, तो मैं बधाई देती हूँ। और ये बात सही है कि तीन आराध्य स्थान हमारे थे, होना चाहिए था कि आज़ादी के बाद से ही मुक्त हो जाने चाहिए था। माननीय न्यायालय ने हमें अधिकार दिया और उस अधिकार के तहत भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या मथुरा की भी बारी है, मथुरा में भी निर्माण कार्य शुरू होगा? देखिए, स्वेच्छा से मुझे लग रहा है कि उस पर भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ विवाद होता है, विवाद को सुलझाने के लिए एक ही तरीका है कि उसको सुलझा लेना चाहिए। और अयोध्या में माननीय न्यायालय के आदेश पर और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की मैं भी भागीदार रही हूँ, बहुत लंबे अरसे तक आंदोलन चला। शायद ये स्वेच्छा से लौटा दिया जाता तो आज भारत में एक मिसाल कायम होती। साथी निरंजन ज्योति, जिनका कहना है कि स्वेच्छा से मथुरा में भी निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे आंदोलन के बाद अयोध्या में जमीन मुक्त हुई और वहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश ना नायब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निवेदन कर्यो हतो के अयोध्या में श्री राम ना मंदिर नु निर्माण शुरू थई गयु छे अने हवे मथुरा में पण मंदिर नु निर्माण कार्य शुरू करवामां आवशे। आ संदर्भे इंडिया न्यूज़ ना वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्माए भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ साथे खास बातचीत करी हती, तो आवो जोईए कि तेमणे शू बातचीत करी हती अने पोतानो शू विचार होता जे इंडिया न्यूज़ साथे शेयर कर्या हता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या और काशी में तो काम शुरू हो चुका है, अब बारी मथुरा की है। हमारे साथ बातचीत के लिए इसमें मौजूद हैं बाबा बालकनाथ, जो राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे सर, मथुरा की बारी है? देखिए, अयोध्या में भी सत्य की जीत हुई है और काशी में भी जो है कि सत्य की जीत हो रही है, और वहाँ पर भी जो कि काम काशी में अंदर मंदिर का कार्य हो या परिसर का कार्य हो जो चल रहा है, वो कार्य भी एक आपसी सहमति से ही चल रहा है और भारत के संविधान और भारत के कानून को मानते हुए चल रहा है। उसी स्वरूप में हम मथुरा को भी देखते हैं कि मथुरा में भी सच्चाई की जीत होगी और वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर ही था और वर्तमान में जिस स्थिति में मंदिर है, हम उसको और भव्य बनाने की संकल्प रखते हैं, उसका विश्वास भी रखते हैं। लेकिन भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र और भारत के कानून को मानते हुए, और लोकतंत्र में हमारे में सत्य की जीत सदैव होती है, उसको संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जीत आखिर में सत्य की ही होती है। बिल्कुल, लंबा समय लगा था जब अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ, लेकिन बाबा जी, ये मथुरा में निर्माण कार्य कब से शुरू होगा, वहाँ पर निर्माण कब शुरू हो पाएगा? देखो, जब सभी जो भी उसमें बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाएगा, सभी हमारे कानून की पालना की बात हो, सभी तरह के प्रोटोकॉल्स को अपना लिया जाएगा, तब जाकर उसका निर्माण, जब भगवान की इच्छा होगी और हम सबका तो संकल्प है ही कि बनेगा निर्माण, मंदिर होगा, तो तब जाकर जरूर एक दिन आएगा कि जिस तरह से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी स्वरूप में मथुरा में भी होगा। बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ, जिनका कहना है कि मथुरा में भी सारे नियमों कानूनों के कायदे में निर्माण कार्य होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर ना पुलवामा में आतंकियों साथे की मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद ना बे टोचना आतंकियों ठार थया हता। छेल्ला केटलाक समय थी गुजरात जम्मू कश्मीर ना विविध विस्तारों में आतंकवादियों द्वारा हुमला द्वारा टार्गेट किलिंग करवामां आवी रही छे, त्यारे भारतीय सशस्त्र दलों द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट हाथ धरवामां आव्युं हतुं, अने जेना भागरूपे पुलवामामां बे आतंकीओ जे छुपायेला हता तेमनी माहिती मळता सशस्त्र दळोए ए विस्तारने घेरीने आ बंने आतंकीओने ठार कर्या हता। आवो जोईए आ संदर्भे इंडिया न्यूज़ना जम्मूना वरिष्ठ संवाददाता अजय झांडलियानो आ विशेष अहेवाल। पुलवामा मुठभेड़ में दो मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। आपको बताते चले कि सुबह सवेरे जो है पुलवामा के कस्बियार इलाके में फोर्सेस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करते ही जो फोर्सेस ने पूरे इलाके को वहाँ से तलाशी अभियान स्टार्ट किया। जो ही वो स्पॉट पे पहुँचे तो छुपे हुए मिलिटेंट्स उन पर गोलियां बरसे, जो एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ। आपको बताते चले कि फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि दो जैश मोहम्मद के जो मिलिटेंट उनको मार गिराया गया, उसमें बताया जा रहा है कि यासिर पर जो टॉप कमांडर है जैश मोहम्मद का, उसको भी मार गिराया गया। वो आईडी एक्सपोर्ट था, कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताता चले कि आईजीपी कश्मीर ने कंफर्म किया कि यासिर पर जो टॉप कमांडर जैश मोहम्मद का था, उसको भी मार गिराया गया है।
भारी मात्रा में उनसे गोला बारूद जो है बरामद किया गया। आपको बताते चले कि यासिर परी के साथ साथ एक फॉरेन टेररिस्ट जो है फुरकान पाकिस्तान का रहने वाला है, उसको भी मार गिराया गया है। कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और सफलता के तौर पर इसको देख रही है। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि ये दो मिलिटेंट्स जो थे बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल थे। और यासिर परे की खासकर अगर बात करें, यासिर परे जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर था, बहुत टाइम से सक्रिय था और आईडी एक्सपर्ट भी था, तो कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विद कैमरा पर्सन साहिल मीर, न्यूज़ इंडिया, श्रीनगर। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बता दूं कि कल रात को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यासिर परे जो कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर है और एक उसका साथी जो है इस इलाके में जो है आपको बता दूं कुसावा इलाके में छुपे हुए हैं पुलवामा में। उसके बाद जहां वहां पे ऑपरेशन शुरू किया गया और सुबह तड़के जो है जब एनकाउंटर चल रहा था लगभग 7 से 8 घंटे की मुठभेड़ में दो आतंकवादी जिसमें यासिर परे और एक पाकिस्तान आतंकी शामिल है, इन दोनों को मार गिराया गया है। एनकाउंटर साइट से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। आपको बता दूं कि यासिर परे जो है वो आईडी एक्सपर्ट था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यासिर परे की जैश के कमांडरों के साथ जो है वो एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें उसने एक बड़ा प्लान किया था कि 26 जनवरी के मौके पर पुलवामा जो है आपको बता दूं कि बड़े हमले जो है 2020 में उसने अंजाम देने थे, मगर सुरक्षा बलों की कड़ी सतर्कता के चलते उसे वो नाकामयाब नहीं हो सका था। मगर अब यासिर मलिक का जो है वो खात्मा हो चुका है और उसके बाद पुलवामा में जैश के नेटवर्क को एक भारी भारी जो है वो धक्का लगा है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। समाचारों ना सिलसिला ने अपने हजू पण यथावत राखशू, पण ए पहला लईए एक नानकड़ो विराम।